Doctors. एक डॉक्टर बड़ी तेजी से अपने हॉस्पिटल में प्रवेश कर रहे थे। दरअसल उन्हें एक एक्सीडेंट के मामले में अर्जेंट बुलाया गया था। अंदर आके देखा जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसके परिजन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता ने कहा, आप अब आ रहे हो? हम आपके कब से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से क्यों नहीं निभाते हो? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो समझ लेना उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने यह बात सुनकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, भगवान सब ठीक कर देगा। मैं हॉस्पिटल में जैसे ही आपके बेटे की खबर सुनी मैं दौड़ा चला आया। आप प्लीज शांत हो जाओ। लड़के के पिता ने, हम कैसे शांत हो जाएं? अगर ये आपका बेटा होता तो क्या आप यही बात कहते? अगर आपकी लापरवाही से किसी की मौत हो जाए तब भी यही कहेंगे आप? इतना सुना और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले गए। पर लड़के के पिता अभी भी बहुत गुस्से में थे। वो कहने लगे, किसी को सलाह देना बहुत आसान है लेकिन जिस पर बीतती है वही जानता है। ऑपरेशन थिएटर में लगभग 1.5-2 घंटे बीतने के बाद डॉक्टर वहां से निकले और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, ऊपर वाला बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उसका, आपका बेटा खतरे से बाहर है। ये सुनकर सारे परिजन बहुत खुश हो गए और सवाल करने लगे, हमारा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा, हम उसे कब तक घर ले जाएंगे? पर डॉक्टर जिस तेजी से वहां आए थे उसी तेजी से वह जाने लगे और उन्होंने कहा, बाकी के प्रश्न आप नर्स से पूछ लीजिए। वहीं खड़ी नर्स परिजनों ने कहा, ये डॉक्टर को इतना घमंड क्यों है? भलाई हमारे 2 प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दे सकते थे? नर्स की आंखों में आंसू थे। नर्स ने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब के बेटे का आज सुबह ही एक भयानक एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। जब मैंने फोन किया तो वो अपने बेटे को अंतिम संस्कार करने ही जा रहे थे और वह आपके फोन सुनते ही वह दौड़े चले आए। मेरे दोस्त, वह वहां पर परिजन जितने ही खड़े थे वो भी एक उबासियां लेकर के रोने की आहट में आ गए। वह अब अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए इतनी तेजी से गए, नर्स ने ऐसा बोला। दोस्तों, कई बार हम बिना सोचे समझे किसी को गलत कह देते हैं लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो दिखता है कई बार वो होता नहीं है। मेरे दोस्त, कई बार हम किसी को बिना जाने पहचाने अनजान में कभी गलत बोल देते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वह व्यक्ति एक सही दिशा में है, वह व्यक्ति एक सही पर मोड़ पर है। मेरे दोस्त, किसी को गलत कहने से पहले एक बार जरूर सोचो, उस पर एक बार विचार करो। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब मेरा यही है कि लाइफ में वो डिसीजन वो सब कुछ आप अपना लो लेकिन किसी के गलत मत करो।